देखिए, मैंने पाया कि नगर निगम, हम पिछले लगभग एक महीने से मैंने लगभग 300 से या 350 जगह विजिट किया, जो आज तक के इतिहास में शायद कभी किसी ने नहीं किया। पिछले 10 से 15 साल तक के पेड़ भी जो ऑलरेडी कंप्लेंट्स में थे, जो कभी विजिट भी नहीं हुआ, 10-10 साल के भी थे जो मैं, वो भी जगह हमने विजिट किए। लेकिन इशू ये नहीं है, ये कि हमारे पार्ट से जो काम हमारा होता है नगर निगम का, एक लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये है कि नगर निगम की जो कमेटी है वो जब विजिट कर लेती है तो उसके बाद कार्रवाई हो जाती है, तो उसके बाद हमारा एक गवर्नमेंट को जाता हुआ मामला, सब कमेटीज आती है, सब कमेटी से वहाँ से रिकमेंडेशन होकर आती है। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे सूखे पेड़ों का 25 पेड़ों का DFO को, RO को, रेंजर ऑफिसर को और गार्ड को भी पावर्स दिए ड्राई पेड़ों की और गिरे पेड़ों की, तो उससे काफ़ी हद तक हमको भी फायदा होगा। रही बात जैसे पिछले कल भी लक्कड़ बाज़ार में गिरे हैं, कई जगह पौधे गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं, कई जगह ऐसा पेड़ भी गिरे हैं जहाँ पर जैसे विकास नगर पेड़ गिरा तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लिस्ट में नहीं था, तो ये घटनाएँ हो रही हैं। लेकिन हमारे पार्ट से हम जल्द से जल्द, इसमें हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, लेकिन अगले कल से हम लगातार इसको हम विजिट करके अपनी जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ है उसको सरकार तक पहुंचा देंगे विजिट के साथ, ताकि वहां से जल्द से जल्द परमिशन आए। अभी काटने के तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सारी परमिशन मिलती है, सारी जो भी परमिशन आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आती है, वो एप्लीकेशन जिसके नाम से आती है उसको लेटर जाता है कि आप अपना पेड़ निकालिए। इसमें कई तरह के इशू है, जैसे मान लो मुझे मेरा घर इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ तो, और नुकसान किसी दूसरे को हो रहा, ज़मीन मेरी है, तो उसमें NOCs की फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी रहती है। तो पेड़ों के मामले में भी यही रहता है, वो पेड़ मेरा है लेकिन NOC नुकसान किसी दूसरे को हो रहा है, तो वो काटने की परमिशन ही फिर उनको दूसरे को देनी पड़ती है। अभी लैंडस्लाइड्स आए काफ़ी जगह, विकास नगर में है, वहाँ गाड़ी का नुकसान हुआ, और जंजीड़ी में खलिनी के पास आया, और कल पिछले कल लक्कड़ बाज़ार में गिरा है, और लक्कड़ बाज़ार के साथ ही हमने साथ लगता हुआ पेड़ और, मैं SDM को लिखा है कि आप स्पॉट विजिट करके, इसमें मैंने ये चाहूँगा कि SDM को एक इमीडिएटली पावर्स हो, जो 133 में पावर होती है, 133 में SDM को पावर रहती है, फॉरेस्ट कमेटी फॉरेस्ट वाले विजिट करके उसकी रिकमेंडेशन पे उन पेड़ों को, डेंजरस पेड़ों को निकाला जा सकता है थ्रू SDM। जो ट्री कमेटी MC की है वो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, मैं थोड़ा सा SDM के माध्यम से अगर जल्दी हो तो डिजास्टर में और 133 में उसमें जल्दी परमिशन मिल जाती है। देखिए, जो मेरी नॉलेज में जहाँ जहाँ आ रहा है, जो लगता है कि उसमें हम फॉरेस्ट को भेज रहे हैं, उनको भेज भी रहे, साथ में ही हम SDM को भेज रहे हैं, उसमें उसकी फॉरेस्ट वालों की रिपोर्ट लगा करके SDM को, क्योंकि पावर होती है, वो उसमें इमिजिएटली उसको काटने के निकालने का ऑर्डर। देखिए, IGMC मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ, हमारे पास जब तक डंपिंग साइट्स का हमने एक डिमांड की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, इसकी परमिशन के लिए चंडीगढ़ गया होता है और 2 और 3 साइटें हमने मांगी है, जैसे ही हमारे को डंपिंग साइट अलाउगी है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि शिमला के अंदर कहीं पर भी जो है इलीगल डंपिंग और जो मिट्टी और मलबा पड़ा रहेगा हम उसको उठाएंगे सारा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे को डंपिंग का होना बड़ा जरूरी है, जिसमें हमने अप्लाई कर रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इसकी हमारे को परमिशन मिलेगी।